खरगोन जिले के गोंगावा में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने मात्र 4 दिनों में पर्दाफाश करते हुए नाबालिग आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी डी कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि गोंगावा में बालाजी टॉकीज के पास एक महिला और एक पुरुष की लाश मिली थी। खोजबीन में पता चला कि ये लाशें टॉकीज में चौकीदारी करने वाले हीरालाल और उसकी पत्नी बारकी बाई की है। एसपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जेपी जिमरे ने अपनी टीम के साथ महज 4 दिनों में ही वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग आरोपी को धर दबोचा। मृतक आरोपी के बुआ और फूफा है। इस हत्याकांड का जल्द खुलासा करने पर एसपी ने आरोपी को पकड़ने वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। एक महिला और एक पुरुष, तो ये दोनों लाश को पहले तो शिनाख्त में नहीं आ रहे थे, तो इनको शिनाख्त करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन तुरंत इसको पता चला कि वही बगल में जो एक थिएटर है वहाँ का ये चौकीदारी करने वाला ये है और इसका पत्नी है। ये दोनों पति पत्नी है मृतक और मृतिका। तो इसी के आगे विवेचना करते हुए पता चला कि ये इनका जो इनका भतीजा था, ये सब मामा फूफा लगते हैं उस लड़के का 17 साल का जो आरोपी निकला है। खरगोन से शकील शेख की रिपोर्ट।